हेलो गाइस आपका स्वागत है फिजिक्स पी क्यू फॉर नीट जे एंड सीबीएसई में अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं जब आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हो तो आपका दिमाग हो जाता है खराब कि भाई कहना क्या चाहता है लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हो तो आपका दिमाग खुल जाता है दिमाग सही हो जाता है कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर जो है ना थोड़ा सा अधूरा लगता है क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग ऐसे खुल जाता है कि क्वेश्चन जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो इसीलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन और फोर्टी दोनों एक साथ कराऊंगा तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी को अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 अपना आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 को अटेम्प्ट करते हैं क्या बोलता है इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास लेंथ टाइम इस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है जो क्वांटिटीज आपकी मास लेंथ और टाइम थी अब की बार हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है क्लियर है नाउ, देन एक्सप्रेस मास लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ दीज क्वांटिटीज यानी कि हमें मास लेंथ और टाइम को वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लैंक्स कांस्टेंट एच ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के टर्म्स में लिखना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है मेरे भाई मास जो है हमें किसके टर्म्स में लिखना है सी एच और जी के टर्म्स में लिखना है सिमिलरली लेंथ भी हमें सी एच और जी के टर्म्स में लिखनी है सिमिलरली हमें टाइम भी सी एच और जी के टर्म्स में लिखनी है तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का साइन है आप आपको पता है ये तो अब आपको जैसे ही मैंने ये तीनों चीजें लिखी तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई सी की पावर ए कर दो एच की पावर बी कर दो जी की पावर सी मत करो यार पी क्यू आर कर लो पी क्यू आर यहाँ पर सी की पावर पी कर दो क्यू की पावर आर कर एच uh, की पावर क्यू कर दो जी की पावर आर और यहाँ पर भी पी क्यू आर पी क्यू आर क्लियर है हमने ये पावर कर दी अब आपको पता है कि इसमें करना क्या है भाई डायमेंशनल एनालिसिस यूज करो और जो है इसको फॉर्मूला बनाओ मास का फार्मूला बनाएंगे हम लेंथ का फार्मूला बनाएंगे टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे इसका मतलब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे फॉर्मूला रेसिंग कार फॉर्मूला डेराइव करेंगे ठीक है मेरे भाई हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे मास को सिमिलरली टी के लिए भी ऐसा ही करेंगे क्लियर है तो ये थी क्वेश्चन को समझाने वाली बात अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कैसे चलो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मास की सबसे पहले हम मास की बात करेंगे मास जो है हमारा मान लो एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी की पावर पी एच की पावर क्यू एंड जी की पावर आर के क्लियर है अब आपको सबसे पहले इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए सी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन एच का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे ई इज इक्वल टू यहां से निकाल लेते हैं एच इज इक्वल टू ई अपॉन में जो है एनर्जी है एनर्जी यानी कि वर्क डन और वर्क डन का क्या होता है ये फोर्स का हो गया एम एल्टी माइनस टू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला एनर्जी के बराबर होता है अपॉन में दैट मींस ये ये इनवर्स ऑफ टाइम होता है है फ्रीक्वेंसी तो इनवर्स ऑफ टाइम होता है ये टाइम जो है ऊपर पहुंचा दो मेरे भाई क्या हो जाएगा एम एल स्क् T की पावर माइनस वन क्लियर है ये जब टी ऊपर जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर वन होगा यहां पर क्लियर है तो ये माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन बचेगा तो ये आ गया ई e का सॉरी एच का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया ये एच का यानी कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अब बात करते हैं जी की एफ टू क्या होता है एम वन एम टू में आर और साथ में यहां जी लगाते हो आप ग्रेविटेशनल ओ, फोर्स के केस में तो यहां से हम जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं क्या होगा एफ आर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू और आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर क्लियर है अपॉन में एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई तो हमारे पास जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा जी का डायमेंशनल ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया जी का भाई बहुत बढ़िया अब आपके पास सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए अब क्या करोगे आप इस फॉर्मूले में रखेंगे एम की पावर वन एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो भाई एम का डायमेंशनल फार्मूला इसी तरह से लिखेंगे ये प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो यहां के लिख लो के कॉन्सटेंट है कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा सी की पावर पी यानी कि एल टी की पावर माइनस वन की पावर कितना हो गया मेरे भाई पी समझ में आ गया सॉरी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ यार ये हो गया एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या है एच का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन इसकी पावर हो गया Q, g का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है m की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री t की पावर माइनस टू इसकी पावर हो गई R, क्लियर है अब हम क्या करेंगे पी क्यू आर की वैल्यू निकालने वाले हैं हम जो है पी क्यू आर की वैल्यू निकालने वाले हैं m की पावर वन हो गया l की पावर जीरो पावर जीरो वेरी गुड अब क्या करेंगे जो M है M के ऊपर जो भी पावर आएंगे उनको ऐड करते चले जाएंगे एम की पावर यहां वन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो ये क्यू हो जाएगा ये हो गया क्यू यहां M की पावर नहीं है तो इसलिए छोड़ देंगे यहां पर M की पावर वन है माइनस वन तो माइनस आर हो जाएगा क्यू माइनस आर क्लियर है सिमिलरली एल की पावर लिखेंगे एल की पावर यहां पर पी यहां पर एल की पावर प्लस टू क्यू यहां हो जाएगी L की पावर प्लस थ्री आर प्लस थ्री आर क्लियर है मेरे भाई सिमिलरली हम t की पावर लिखेंगे t की पावर यहां पर माइनस पी टी की पावर माइनस पी थोड़ा सा t की पावर -P हो गया और यहां पर t की पावर माइनस क्यू हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस टू आर क्लियर है तो देखो आप जो भी पावर है उनको इक्वेट कर देंगे m की पावर वन यानी कि q माइनस आर इज इक्वल टू वन एल की पावर जीरो और यहां एल की पावर अच्छी खासी है तो इसको लिखेंगे पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर डेट इज इक्वल टू जीरो क्लियर है मेरे भाई सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर दैट इज इक्वल टू जीरो अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई इन दोनों इक्वेशन को ये वन हो गई हमारी ये टू हो गई और ये थ्री हो गई इक्वेशन टू और थ्री को अगर ऐड कर दोगे तो पी से पी कैंसिल हो जाता है यहां पर जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी टू क्यू माइनस क्यू बचा थ्री आर माइनस टू आर यानी टू जीरो से आपको क्या मिला क्यू इज इक्वल टू माइनस आर क्यू इज इक्वल टू माइनस आर इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन वन में रख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर माइनस आर दैट इज इक्वल टू वन तो ये हो गया माइनस टू आर दट इज इक्वल टू वन तो आर की वैल्यू आ गई मेरे भाई माइनस वन अपॉइंट टू क्लियर है आर की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉइंट टू इस आर की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉइंट टू क्लियर है मेरे भाई तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई क्यू की वैल्यू आ गई अब हम क्या करेंगे पी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन टू या इक्वेशन थ्री में से किसी में भी रख दो प्लस टू क्यू क्यू की वैल्यू है वन बाई टू कोई दिक्कत नहीं है प्लस थ्री इन आर की वैल्यू है माइनस वन बाई टू मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को ठीक है भाई ये टू से टू कैंसिल हो गया पी प्लस वन ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू क्लियर है भाई साहब तो ये वैल्यू आएगी पी की पावर दो एक दो तीन में से दो गया एक यानी कि माइनस वन अपॉन टू दैट इज इक्वल टू जीरो क्लियर है यहां से पी की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत बहुत आसान सवाल है भाई थोड़ा सा लंबा है लेंदी है लेकिन आसान सवाल है तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई सभी की अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज को लिखेंगे आ, यहां लिखते हैं जगह की कमी होने की वजह से तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई Q की वैल्यू आ गई R की वैल्यू आ गई है तीनों की वैल्यू आ गई है एम जो हम लिखेंगे के को हटा दो अब के को हटा दो या लिख लो चलो के लिखा रहने दो के तो कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे सी की पावर पी सी की पावर पी यानी कि C की पावर क्लियर है एच की पावर क्यू एच की पावर क्यू यानी कि वन बाई टू क्लियर है मेरे भाई जी की पावर आर जी की पावर आर आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू किसी भाई को कोई आपत्ति तो यहां से जो मास का फार्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा मेरे भाई के इंटू इस तरह से लिख लेते हैं सी एच में जी का स्क्वायर रूट है ना तो ये फॉर्मूला बन गया भाई मास का ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे भाई मास का फार्मूला के इंटू सी एच अपॉन में जी क्लियर है इसी तरह से हम जो है एल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं चलो भाई एल का फार्मूला निकालेंगे अब एल का क्या फार्मूला बनेगा एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की पावर पी के एच की पावर क्यू के एंड जी की पावर आर के क्लियर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम की पावर जीरो में लिखेंगे इक्वल टू के कॉन्सेंट के का कोई काम नहीं है यहां पर सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस वन इसकी पावर हो जाएगी पी एच का क्या डायमेंशनल फार्मूला आया था एक बार देख लो मेरे भाई एच का डायमेंशनल फार्मूला आया था एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन इसकी पावर हो जाएगी क्यूब जी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया था मेरे भाई यहां देख लो जी का यह डायमेंशनल फॉर्मूला आया था एम की पावर माइनस वन एल क्यूब टी की पावर माइनस टू एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री और t की पावर माइनस टू भाई बहुत बेसिक से करेंगे आराम से करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है प्यार से करोगे तो समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा तो यहां पर आपको ये ये फॉर्मूला बन जाएगा अब इस तरह से सॉरी यहां t की पावर जीरो है मेरे भाई ध्यान रखना अब क्या करेंगे हम यही करने वाले हैं m की पावर जीरो l की पावर वन t की पावर जीरो k को ऐसे रखेंगे यहां पर क्या करेंगे m की पावर q m की पावर q यहां पर इसकी पावर आर है पी क्यू आर एम की पावर माइनस वन तो क्यू माइनस आर क्लियर है बेसिकली सिम मैं क्या करूंगा ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना ये जो इक्वेशन आई थी मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूं ठीक है तो अब एल की पावर क्या हो गई वहीं से लिख लो या तो पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर टी की पावर T की पावर क्या आएगी माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर क्लियर है अब इनकी पावर को इक्वेट कर देंगे तो q माइनस आर की बार जीरो हो गया तो दैट मीन्स Q इज इकल टू आर के क्यू इज इकल टू आर के आपको मिल गया P प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर ये किसके बराबर होगा वन के क्योंकि L की पावर वन है यहां पर और यहां एल की पावर अच्छी खासी है लंबी चौड़ी टी की पावर माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर दैट इज इक्वल टू जीरो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ये मेरी इक्वेशन वन थी ये इक्वेशन टू ये इक्वेशन थ्री दोनों को ऐड करेंगे पी से पी कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू और इधर आ जाएगा प्लस आर दैट इज इक्वल टू वन क्लियर है मेरे भाई तो देखो क्यू इज इक्वल टू आर है क्यू इज इक्वल टू आर है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्यू प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू वन तो टू क्यू इज इक्वल टू वन तो क्यू की वैल्यू आ गई वन बाई टू क्यू की वैल्यू आ गई वन बाई टू सिमिलरली आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वन बाई टू तो आपको क्यू मिल गया आर मिल गया अब क्या चाहिए पी चाहिए इक्वेशन टू में रख दो ये सारी वैल्यू पी प्लस टू क्यू टू इंटू क्यू की वैल्यू वन बाई टू प्लस थ्री इंटू आर की वैल्यू वन बाई टू ट इज इक्वल टू वन तो यह हो गया वन कैंसिल हो जाएगा तो पी प्लस वन प्लस थ्री बाई टू दैट इज इक्वल टू वन ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा पी की वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई टू क्लियर है मेरे भाई अब आपके पास पी क्यू और आर की वैल्यू आ गई है इसको फॉर्मूले में रख देंगे एल इज इक्वल टू के इन टू सी की पावर पी c की पावर p यानी कि माइनस थ्री बाई टू एच की पावर q दैट मीनस h की पावर वन बाई टू जी की पावर r r की पावर वन बाई टू क्लियर है मेरे भाई यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं k इन टू एच जी में c का स्क्वायर रूट और इसकी पावर थ्री ठीक है ना c की पावर माइनस थ्री बाई टू को नीचे लिया और स्क्वायर रूट कर दिया तो L की वैल्यू आ गई है तो हमें L का भी फॉर्मूला मिल गया लेंथ का फॉर्मूला मिल गया जिसके अंदर सी है एच है और जी है क्लियर है अब इसी तरह से हम टाइम का भी फार्मूला निकालेंगे टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं मेरे भाई टी की पावर टी की पावर तो वन uh, है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर पी एच की पावर क्यू एंड जी की पावर आर तो एम जीरो एल इक्वल टू के कॉन्स्टेंट कुछ नहीं करना इसका और एल टी की पावर माइनस वन की पावर पी एच की पावर एच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था यह आया था एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन की पावर क्यू जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यह आया था एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू इसकी पावर हो गई आर क्लियर है अब हम इसको क्या करेंगे एम एल जीरो टी की पावर वन दैट इज इक्वल टू बिल्कुल इसी इक्वेशन के टर्मस में भले इसी इक्वेशन में लिख लेते हैं मैं यहां से उठा लेता हूँ कॉपी कर लूंगा भाई के इंटू एम की पावर क्यू माइनस आर है ना के इंटू एम की पावर क्यू माइनस आर सिमिलरली एल की पावर पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर ये हो गई एल की पावर पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर ठीक है ना भाई पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर ये हो गया अब माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर टी की पावर हो गई माइनस माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू और माइनस टू आर माइनस टू आर क्लियर है अब हम इनकी पावर को इक्वेट कर देंगे q माइनस आर इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स q इज इक्वल टू आर ये आपको मिल रहा है पहले हमने मास की पावर को इक्वेट किया है है ना मास की पावर को इक्वेट किया अब लेंथ की पावर को इक्वेट कर देते हैं प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर दैट इज इक्वल टू जीरो और अब टाइम की पावर को इक्वेट कर देते हैं माइनस पी माइनस क्यू माइनस टू आर भाई लेंदी है सवाल बाकी मुश्किल नहीं है आसान सवाल है बहुत ये पी से पी कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारे पास बचा क्यू यहाँ बचा आर दैट इज इक्वल टू वन एड कर दिया है तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू आर है तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू वन कर दो दैट मीन्स Q की वैल्यू आ गई वन बाई टू सिमिलरली R की वैल्यू भी वन बाई टू क्लियर है मेरे भाई अब हम क्या करेंगे P की वैल्यू निकालेंगे P प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर दैट इज इक्वल टू जीरो P की वैल्यू निकालने वाले हैं टू इंटू क्यू की वैल्यू हो गई वन बाई टू प्लस थ्री आर थ्री इंटू आर की वैल्यू वन बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है मेरे भाई ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया पी प्लस वन प्लस थ्री बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो इस तरह से लिख सकते हैं p प्लस दो एक कम दो और तीन पाँच बटे दो दैट इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स p की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस फाइव अपॉन टू क्लियर है अब हम क्या करेंगे ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे t की पावर मतलब वन है टी इज इक्वल टू के इन टू सी की पावर p That means C की पावर माइनस फाइव अपॉन टू एच की पावर Q, H की पावर वन बाई टू एंड G की पावर वन बाई टू क्लियर है यहां कर लेते हैं मेरे भाई यहां देख लेते हैं T इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट में लिख लेंगे H आ गया G आ गया C की पावर फाइव आ जाएगा क्लियर है ये हो गया टाइम का फॉर्मूला क्लियर है यहां तक अब आप यहां से देखो टी की पावर जो है मतलब टी किसके टर्मस में है टी जो है किसके टर्मस में है एच के टर्म्स में है जी के टर्म्स में है सी के टर्म्स में है क्लियर है सिमिलरली एल जो है लेंथ एच के टर्म्स में है जी के टर्म्स में है और सी के टर्म्स में है क्लियर है आगे देखो जो हमारा मास था वो किसके टर्मस में है वो भी सी के टर्म्स में है एच के टर्म्स में है और जी के टर्म्स में है अब क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ अब आपका दिमाग खुल जाएगा क्वेश्चन नंबर पढ़ो। को को लिया और C को हमने fundamental quantities की तरह रखा ठीक है फॉलोइंग कैन इन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम मास लेंथ और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें कौन सी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको लेना होगा क्लियर है तो यहां देखो टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ द थ्री चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें मास लेंथ और टाइम को तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा हमने एच तो ले लिया सी भी ले लिया तो अब हमें एक और क्वांटिटी लेनी होगी जिसको हम जो है जिसमें जिस जिसकी हेल्प से हम मास को को लेंथ टाइम को जो है एच सी और जी के टर्म्स में लिख पाए एच सी और जी के जी के बेसिकली जी भी तो आएगा अब यहां पर ये तो मैंने अभी करा दिया ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आपको पता चल गया है कि भाई सी है एच है और जी है सी एच और जी की हेल्प से सी एच और जी की हेल्प से हम जो है ये बता सकते हैं या ये हम डेराइव कर सकते हैं कि मास लेंथ और टाइम जो है एच सी और जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर है तो हमें बी ऑप्शन मिल रहा है हमें बी ऑप्शन मिल रहा है क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी की हेल्प से हम ये तो बता सकते हैं कि मास लेंथ और टाइम को एच सी और जी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है देखो मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे आपकी बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला मास ही हो गया ना कैपिटल एम और मास ऑफ प्रोटॉन का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम यहां भी चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइमेंशनल फार्मूला एटी होता है एंपियर इनटू टाइम तो यहां से देखो मास को तो अगर रिप्रेजेंट करना है तो एच एच तो के टर्म्स में कर लेंगे एक सी के टर्म्स में कर लेंगे जो तीसरी क्वांटिटी थी जो तीसरी क्वांटिटी थी जी तो हमने ले ली थी क्वेश्चन नंबर 40 के हिसाब से हमारे पास तीसरी क्वांटिटी जी मिल गई तो अगर मैं जी के अलावा और तीसरी क्वांटिटी लेनी है यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी कि एम ले लिया है ना तो इसकी पावर मान लो ए बी और सी कर लो बिल्कुल यहां से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यहां से आप मास की पावर को एच सी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो है ना सिमिलरली मास ऑफ प्रोटोन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने किया है लेकिन कहानी खराब हो जाती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में ए आ रहा है यहां देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब डायमेंशनल फार्मूला आता है तो ए टी आता है है ना तो ए टी आता है तो ए की पावर को हम कैसे कंपेयर करेंगे एक ही पावर को हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे यहां समझो समझो देखो मैं बताता हूं कैसे भाई मान लो एम के टर्म्स में लिख रहे हैं हम तो एम की पावर वन एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो है ना सी की पावर टी ले लो एच की पावर क्यू ले लो और चार्ज चार्ज ले लेते हैं क्यू क्यू की पावर आर ले लो भाई चार्ज का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ए टी की पावर आर आएगा ए टी की पावर आर आएगा ना ये इस तरह से आएगा तो अब ए की पावर आर और टी की पावर आर बनेगा तो आप ए की पावर को यहाँ पर किस तरह से कंपेयर करोगे आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे जब कंपेयर नहीं कर पाओगे जब कंपेयर नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब आप आसानी से बता सकते हो कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम उसको चूज नहीं कर सकते चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको चूज नहीं कर सकते तीसरी क्वांटिटी की तरह सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटोन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को ही हम चूज कर सकते हैं तो इसका जो आंसर हो गया ए बी और डी हो गया क्लियर है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी कराया है, ताकि आपका जो दिमाग है खुल जाए और आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो अब आप कर सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म्स में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो ध्यान रखना